गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर एकेडमी अनदर सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीरीज़ को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड की सीरीज़, और इसी के अंदर हम लेकर आए हैं आज का अपना अगला वीडियो, जो कि होगा करंट एसेट का वीडियो नंबर 13। आज के इस सेशन के बारे में हम बात करेंगे बैलेंस शीट पर आने वाले एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है करंट एसेट। याद रखिए कि ये करंट एसेट बहुत कुछ सिमिलर है कैश रिजर्व से, इसलिए अगर आपने इस वीडियो को अभी शुरू किया है देखना और इससे पहले इस सीरीज़ के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो हमारी सलाह होगी आपको कि इस वीडियो को यहीं पर रोकिए। इससे पहले फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड के जितने भी वीडियोस हैं उन्हें एक सीरीज से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि तभी ये सारे सेशंस आपकी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज का इस सेशन, और सेशन का टॉपिक है करंट एसेट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेसिकली करंट एसेट होता क्या है। ऑलराइट, सो देखते हैं कि करंट एसेट क्या है, और ध्यान से देखिएगा इस डेफिनेशन को। करंट एसेट रिप्रेजेंट ऑल द एसेट्स ऑफ अ कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वीनियंटली सोल्ड, कंज्यूम्ड, यूटिलाइज्ड और एग्जॉस्टेड थ्रू द स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशंस, व्हिच कैन लेड टू देयर कन्वर्जन टू अ कैश वैल्यू ओवर द नेक्स्ट वन ईयर पीरियड। यानी इतनी कठिन भाषा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर, हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाते हैं। करंट एसेट का मतलब है, करंट का मतलब इस समय वर्तमान, एसेट का मतलब एसेट लाइबिलिटीज। आपको पता है कि क्या चीजें एसेट्स हैं, एसेट का अगर हिंदी शब्द एक निकालें तो लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, और एसेट का मतलब एक शब्द अगर हिंदी में लें एसेट्स के लिए तो होगा संपत्ति। सो वर्तमान में कौन सी संपत्ति आपके पास में अवेलेबल है, दैट इज करंट एसेट। बट वर्तमान में संपत्ति यह पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, तो इसे ध्यान से सुनिए। कोई भी कंपनी जो एक बिजनेस कर रही है उसके पास बहुत तरीके की संपत्तियां होती हैं, जैसे एक तो उसके पास कैश होता है जो उसके बैंक के अंदर रखा हुआ है, दूसरा कुछ कैश होता है जो उसके पास इमीडिएट ड्रॉअर के अंदर रखा हुआ है। कई बार कंपनी बहुत सारे पैसे को फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखवा देती है, कई बार कंपनी जमीन खरीद लेती है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं उस कंपनी के पास अपने अकाउंट में, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, पूरी मशीनरी है, एक पूरा प्लांट है। इस पूरे संपत्तियों में से वो संपत्तियां जिनको कि एक साल के अंदर बेचकर और कैश लिया जा सकता है, ऐसी सारी संपत्तियों को करंट एसेट कहा जाता है, यानी करंट संपत्ति। दोबारा से सुनिए ध्यान से कि किसी भी कंपनी के पास मौजूद हर वो संपत्ति जिसे बेचकर एक साल के अंदर जिसे बेचा जा सकता हो और उससे कैश निकाला जा सकता हो, यानी कैश रुपए में तब्दील किया जा सकता हो, उसे करंट एसेट कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका तो मतलब है कि सारी चीजें करंट एसेट में आनी चाहिए, क्यों? अगर कोई आदमी पीछे पड़ जाए कि मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी है तो साल भर के अंदर तो फैक्ट्री बेच ही लेगा। बिल्कुल सही है, बट फाइनेंस की भाषा में हम फैक्ट्रीज, जमीन, इन सबको करंट एसेट के तौर पर नहीं मानते। करंट एसेट के लिए बैलेंस शीट को आपको देखना होता है, और उस बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स आपको एक खास जगह पर मिलता है। तो कहां मिलता है यह देखने के लिए अगेन शुरू करते हैं वही जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, moneycontrol.com खोलिए। मनी कंट्रोल के बेसिक पेज पर अगेन सर्च में जाइए और किसी भी एक कंपनी का नाम डालिए, जैसे कि हम इंफोसिस का नाम डाल रहे हैं। ओके, ये इसका फर्स्ट पेज है। इसके बाद इसके फाइनेंशियल्स में आइए, फाइनेंशियल्स में ओल्ड फॉर्मेट कीजिए, समझने में थोड़ा ज्यादा आसान है। ये है इस कंपनी की बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको टोटल करंट एसेट दिखेगा निचले स्तरों पर। नाउ क्वेश्चन कि टोटल करंट एसेट के अंदर कंपनी की क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो ध्यान से सुनिएगा।
किसी भी कंपनी की टोटल करंट एसेट के अंदर तीन तरह की चीजें शामिल होती हैं। एक, कंपनी जो भी सामान बना रही है, किसी भी तरह का अगर कंपनी सामान बना रही है, जैसे मिसाल के लिए एक कंपनी खोलते हैं, जैसे मारुति खोलते हैं, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, मारुति सुजुकी इंडिया, ओके, और मारुति की बैलेंस शीट खोलते हैं। हाँ, मारुति की बैलेंस शीट पर चूंकि आपको इन्वेंट्रीज भी मिल जाएगी, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल करंट एसेट, ठीक। सो टोटल करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक, अगर कंपनी कोई सामान बना रही है तो वो सामान कंपनी के वेयर हाउस या कंपनी के स्टोर में रखा हुआ होगा, इसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक। तो इस इन्वेंट्री को अगर आप बेच दें तो आपको कैश मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ है सनड्राई डेप्टर्स, यानी ऐसे लोग जिन्हें हमने सामान बेच रखा है बट जिनसे अभी हमको पैसा नहीं मिला है। ये भी हमको पैसा मिलने वाला है, किसी को आपने सामान बेच दिया, एडवांस में दे दिया, ठीक है। और बिजनेस में ये होता ही है कि सामान थोड़ा सा एडवांस में उठाया जाता है, जब पैसा मिल जाता है निचले स्तर को तो वो फिर अपने प्रीवियस वाले को पैसा देता है। ये है सनड्राई डेप्टर्स। तीसरा है कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कैश हमारे पास में कितना है और बैंक के अंदर कितना पड़ा हुआ है। इन तीनों को ऐड करके आपके पास जो वैल्यू आती है वो कहलाती है टोटल करंट एसेट, यानी आज के समय में आपके पास करंट एसेट कितना है। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है करंट एसेट की? करंट एसेट की इंपॉर्टेंस ये है कि करंट एसेट के जरिए आपके पास में आने वाले जो दैनिक खर्चे हैं या किसी तरह की अचानक से आने वाली संभावना, जैसे किसी भी तरह की प्लांट में आग या कोई नुकसान हो जाए जिससे बचाव के लिए या जिससे रिकूप करने के लिए आपको इमीडिएटली कैश की जरूरत हो, तो क्या आपके पास इतना करंट एसेट है कि आपका काम नहीं रुकेगा और आप अपना काम चलाते रहेंगे? एक। दूसरा, जब भी कभी भी आप किसी ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि कुछ सामान नहीं बनाती बल्कि सर्विसेज देती है, जैसे इन्फोसिस, इन्फोसिस क्या सर्विसेज देती है भाई? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का काम करती है, तो ये कोई सामान नहीं बनाती। तो इसलिए जब आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको इसके अंदर इन्वेंट्री नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी, क्या? सनड्राई डेप्टर्स, वो लोग जिन्हें हमने सामान दे रखा है बट जिनसे अभी पैसा लेना है। दूसरा, कैश एंड बैंक बैलेंस, इन दोनों को ऐड करके आपको इसका टोटल करंट एसेट मिल जाता है, यानी हर वो कंपनी जो सर्विसेज दे रही है, प्रोडक्ट नहीं बना रही है, ठीक। जैसे कि एयरलाइंस, यहां आपको इन्वेंट्रीज नहीं मिलेगा, जैसे कि हॉस्पिटल चेन जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर कंपनीज, यहां आपको इन्वेंट्रीज नहीं मिलेगी, यहां आपको मिलेगा सनड्राई डेप्टर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इन दोनों को ऐड करके जो आपको मिलेगा वो होगा करंट एसेट। नाउ क्वेश्चन है कि करंट एसेट की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है और करंट एसेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो करंट एसेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके दैनिक खर्चे चलाने के लिए आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास में बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन आप एक इंसान के तौर पर आपकी जेब में अगर कैश बिल्कुल नहीं रहता और एटीएम कार्ड भी नहीं है, करंट एसेट का मतलब कि ऐसा पैसा जो आप एक साल के अंदर आपके पास जेब में पैसा आ जाए, अगर आपके पास में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप पैसे वाले चाहे जितने हो लेकिन आप दैनिक खर्चे अपने नहीं निकाल सकते। क्यों? कहीं से आप सामान खरीद रहे हैं, किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, किसी को तनख्वाह देनी है, तो इस सब के लिए आपके पास में कैश तो चाहिए, करंट एसेट तो चाहिए ही। अगर करंट एसेट नहीं है तो ये आपकी बैलेंस शीट की थोड़ी सी वीकनेस को दर्शाता है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट कंपनी को सही से मैनेज नहीं कर रहा है। इसलिए लंबे समय में अगर आपको किसी शेयर के अंदर निवेश करना है तो उसकी बैलेंस शीट पर, उसके करंट एसेट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगेन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, करंट एसेट कंपनी के अंदर करंट लाइबिलिटीज, जैसे आपके करंट एसेट होते हैं यानी कि ये एसेट्स हैं, वैसे ही होती है करंट लाइबिलिटी कि इमीडिएटली एक साल के अंदर हमको कौन कौन से खर्चे हैं जिनको चुकाना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज से आम तौर पर ज़्यादा होने चाहिए। आम तौर पर करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होने चाहिए। अगर करंट एसेट कम भी है करंट लाइबिलिटीज से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? करंट लाइबिलिटीज चुकाने के लिए आप कैश रिजर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, करंट एसेट प्लस कैश रिजर्व मिलाकर हमेशा करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होने ही चाहिए। करंट एसेट यानी वो पैसा जो एक साल के अंदर आप कैश में तब्दील कर सकते हैं, और कैश रिजर्व, ये मिलाकर हमेशा करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग रहा है तो सिर्फ इतना समझिए कि किसी भी कंपनी का करंट एसेट साल दर साल आम तौर पर बढ़ते रहना चाहिए, ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको जब आप कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक नज़र इन पर भी डालनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए,
करंट एसेट्स को। अब जरा कुछ बैलेंस शीट्स को ध्यान से देखिए, जैसे कि इन्फोसिस के करंट एसेट्स तकरीबन 28,000 करोड़ के और करंट लाइबिलिटीज तकरीबन 15,500 करोड़ की, यानी एक साल के अंदर जितनी लाइबिलिटीज आनी है उन सभी को पूरा करने के लिए कंपनी के पास करंट एसेट है, MRF। ध्यान से देखिएगा, टोटल करंट एसेट कंपनी के पास तकरीबन 5,300 करोड़ के और करंट लाइबिलिटीज 5,700 करोड़ की, यानी अगर कंपनी चाहे तो आज की डेट में अपनी लाइबिलिटीज भी आसानी से चुका सकती है कैश रिजर्व का इस्तेमाल करके। मारुति, ध्यान से देखिए, करंट लाइबिलिटीज तकरीबन 15,000 करोड़ की और करंट एसेट तकरीबन 6,000 करोड़ के। अब अगर कंपनी को आज की डेट में अपनी लाइबिलिटीज चुकानी हो तो क्या करना पड़ेगा, कैश रिजर्व का इस्तेमाल करके आसानी से चुका देगी, कोई समस्या नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन, ध्यान से देखिए, करंट लाइबिलिटीज 20,000 करोड़ की और करंट एसेट्स कंपनी के पास तकरीबन 1,000 करोड़ के, यानी अगर आज की डेट में कंपनी को अपनी लाइबिलिटीज चुकानी हो साल भर की तो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगी, कैश रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कैश रिजर्व का इस्तेमाल करके भी कंपनी की पूरी लाइबिलिटीज नहीं चुकाई जा सकती। 11,000 ये ए और 2,000 के करीब ये, 12,000-13,000 करोड़ रुपए है कंपनी के पास केवल करंट एसेट, और कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 20,000 करोड़ रुपए की, 8,000 करोड़ रुपए का अभी भी घाटा है। इसलिए रिलायंस एक अवॉइड कैटेगरी का शेयर है। देन कम्स सुजलॉन, ध्यान से देखिएगा, करंट लाइबिलिटीज कंपनी की तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए, करंट एसेट कंपनी के तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए, जो कि एक गलत है। क्यों? साथ ही साथ कंपनी के पास कैश रिजर्व भी नहीं है और कंपनी के पास लोन भी है 7,000 करोड़ का, तो ये 7,000 करोड़ का लोन भी चुकाना है, करंट लाइबिलिटीज भी चुकानी है, यानी 7 और 4 11,000 करोड़ का चुकाना है लोन पूरा, और कंपनी के पास है कितना, सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए। इसलिए सुजलॉन एक अवॉइड कैटेगरी का शेयर है। ओके, सो ये है फ्रेंड्स करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बीच का एक रेशियो, एक रिलेशनशिप, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी आप शेयर्स लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं। तो करंट एसेट को जब भी आप एनालाइज करेंगे, करंट एसेट को करंट लाइबिलिटीज के साथ कंपेयर कीजिए, साथ ही ये भी देखिए कि कंपनी के साथ कैश रिजर्व कितना है और डेट कितना है। फ्रेंड्स, ये वजह है कि हमने आपसे कहा था कि अगर करंट वीडियोस आप देख रहे हैं और इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कैश रिजर्व क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, टोटल डेट क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसलिए इन वीडियोस को एक सीरीज में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरीज से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता है कि कंपनी के कैश रिजर्व का मतलब क्या है, कंपनी के टोटल डेट का मतलब क्या है, उसके बाद यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं और तब आपको पता चलेगा कि कंपनी के टोटल करंट एसेट का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल करंट लाइबिलिटीज़ के रिलेशन में कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए हैं, एक बार समराइज कर देते हैं इसे। करंट एसेट वो एसेट्स हैं जिन्हें एक साल के अंदर हम कैश में तब्दील कर सकते हैं बेचकर। करंट एसेट लगातार बढ़ते रहने चाहिए कंपनी के, ये कंपनी के स्ट्रेंथ की बात है। सेकंड, करंट लाइबिलिटीज से करंट एसेट्स आमतौर पर हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। थर्ड, करंट एसेट और कैश रिजर्व मिलकर कंपनी के टोटल लोन और करंट लाइबिलिटीज से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी बहुत ही बड़ी मुश्किल के अंदर है। इस चीज़ को आपको ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लंबे समय में किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है, और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच का ये रेशियो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो भविष्य में आप हमेशा अच्छे शेयर्स ढूंढ सकते हैं, और अच्छे शेयर्स में लंबे समय तक जब आप निवेशित रहते हैं तो आपको प्रॉफिट मेकिंग के आपके चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि जो ये सेशन था फ्रेंड्स, बिल्कुल छोटा सेशन 12 मिनट का, इस सेशन से आपने न केवल सीखा होगा बल्कि इस नॉलेज का आप फायदा भी उठाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए दैट नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज नो नॉलेज। सो जो भी आप सीख रहे हैं उसका आप इस्तेमाल भी करते रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।